दोस्तों, सैमसंग जल्द ही अपना M सीरीज का नया स्मार्टफोन इंडियन मार्केट और ग्लोबली लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको 48 MP का डबल फ्लिप कैमरा फ्रंट में देखने को मिलेगा। साथ में एक सुपर एमोलेड की स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्ज के सपोर्ट के साथ आएगी। इसके साथ ही आपको बैक में 48 MP का रियर कैमरा भी देखने को मिलेगा। और क्या है इसी स्पेसिफिकेशन का डिटेल्स, इसकी प्राइसिंग, लॉन्च डेट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की। तो 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा, जिसका कोटिंग जो है वो मेटल के साथ होगा। साथ में ग्लॉसी ग्रेडियंट बैक फिनिश भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर इसके फ्रंट की बात करें तो डबल 48 MP का कैमरा देखने को मिल सकता है, जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी E80 में आपको देखने को मिला था। इसमें कोई भी नॉच आपको देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसमें फ्लिप कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। और साथ में रियर कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकता है, जिसका प्राइमरी रेजोल्यूशन 48 MP का होगा, सेकेंडरी 16 MP का होगा, जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, और जो थर्ड है वो 8 MP का होगा, जो कि एक डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, बात करें अगर इसके प्रोसेसर की तो एक्सिनोस का 900 सीरीज इसमें देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन के 800 सीरीज से काफी पावरफुल है। साथ में 5000 mAh की बैटरी, जो कि USB टाइप सी पोर्ट के साथ आएगी, और फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ भी इसमें मिलने वाला है, जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिलेगा। इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड क्यू के साथ और सैमसंग के UI के ऊपर बेस होकर ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट और ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें इसके प्राइसिंग की तो इंडिया में अभी इसका प्राइस कोई भी फिक्स नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 15,000 से 18,000 के बीच में 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। और जो इसका अपर वेरिएंट है 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, वो आपको 21,000 से 22,000 के मिड रेंज में देखने को मिल सकता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन सैमसंग का आज तक का सबसे किलर स्मार्टफोन कहा जा सकता है। फाइनली बात करें इसके लॉन्च डेट की तो इंडिया में भी इसका लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2019 के एंड तक ये स्मार्टफोन आपको जरूर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो यही थी सैमसंग गैलेक्सी M50 की स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग और लॉन्च डेट। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और उसके साथ बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए दोस्तों, कीप स्माइल, हैव अ गुड डे।